मणिकर्णिका ने अब जापान में गाड़ा सफलता का झंडा। कंगना रनौत की फिल्म ने ली सबसे बड़ी ओपनिंग। डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की जापान में स्क्रीनिंग हो रही है। इस फिल्म को जापानी बॉक्स ऑफिस ने हाथों हाथ लिया और यह फिल्म सबसे ज्यादा भारतीय ओपनिंग वाली फिल्म बनी। कंगना रनौत की यह फिल्म एक बैंग के साथ आई और इस फिल्म को जमकर पसंद किया जा रहा है। कंगना रनौत ने फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के साथ अपने निर्देशन करियर की शुरुआत की। तब से लेकर अब तक कंगना रनौत ने एक लंबा सफर तय किया है और हाल ही में अपनी प्रोडक्शन कंपनी के साथ फिल्म प्रोड्यूसर भी बनी है। अब फिल्म मणिकर्णिका को लेकर तमाम विवादों के बावजूद कंगना रनौत के निर्देशन में बनी फिल्म की स्क्रीनिंग फिलहाल जापान में चल रही है। आज फिल्म के बारे में कुछ अपडेट जी स्टूडियो ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। मणिकर्णिका को जापान में बम्पर ओपनिंग लगी है और फिल्म को जापानी बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक ओपनिंग वाली भारतीय फिल्म बनी है। ट्विटर पर जी स्टूडियो ने ट्वीट कर लिखा #मणिकर्णिका जापानी बॉक्स ऑफिस पर #3 की ओपनिंग लगी। जापानी बॉक्स ऑफिस की रिपोर्टों के अनुसार कंगना रनौत के निर्देशन में बनी फिल्म को जापान में तीसरे नंबर की ओपनिंग लगी। कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका को भारतीय निर्देशकों ने खूब सराहा और अब वह जापान में भी दिलचस्प रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।